रुक जाओ। नेहा तू यहाँ क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? तू क्या कर रहा है यश? तुझे क्या लगा मुझे धोखा देके तू किसी और से शादी करेगा और मैं चुपचाप बैठी रहूँगी? मैंने तुझे कोई धोखा वोखा नहीं दिया, ठीक है ना? ब्रेकअप हो गया हमारा। अरे तो जरा सी लड़ाई भी सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या यश? मैं प्यार करती हूँ तुझसे, मैं जानती हूँ तू भी मुझसे प्यार करता है। नेहा देख, मेरी यहाँ पे शादी हो रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। तू कुछ नहीं कर सकता यश, पर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की ना, तुझ पे रेप चार्जेस डलवा के तुझे अंदर करवा दूँ, फिर देखती हूँ तू ये शादी कैसे करता है। ऐसे कैसे शादी करेगा तेरे से? या हमारी बच्ची की शादी हो रही है, अगर तेरे से शादी करेगा तो हमारी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ठीक है ना यश, तू हम दोनों से शादी कर ले। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज से एक साल पहले जब मैं पुणे के स्वारगेट पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, तब मेरे सामने दो ऐसे केसेस आए थे जो बहुत ही चौंकाने वाले थे। क्या ये दोनों ही केसेस बिल्कुल अलग अलग थे या कोई ऐसी कड़ी थी जो इन दोनों केसेस को जोड़े हुए थी? अरे तो क्या हो गया, लोगों की होती नहीं दो शादियां? अरे बहुत सारे लोग करते हैं। तू पागल हो गया है क्या? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? तो क्या करे, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छाती पे बिठा के रखे। आरती 5 साल की थी तब उसका बाप छोड़ के चला गया, तब से तुम दोनों को पाल के रखा है हम लोगों ने, बस अब नहीं हो सकता। देख आरती, चुपचाप शादी कर ले और चली जा। अगर अभी ये शादी नहीं हुई ना तो सोच अपनी लड़की की कितनी बदनामी होगी। लेकिन दादा, अरे उस दूसरी लड़की को कोई परेशानी नहीं तो इसे क्यों है? यश। क्या यश, तुम्हारा भी सही है नेहा, जब मन किया चली गई, जब मन किया वापस आ गई। अरे मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सोसाइटी में, ऑफिस में। आई एम सो सॉरी यश, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ यश। यश, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी अभी प्लीज मत रो, तुम जानते हो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, राइट? हाँ देखो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब जो हो गया सो तो हो गया है ना, तुम, मैं और आरती, हम तीनों इस बंधन में बन चुके हैं और हमें अब ये बंधन निभाना पड़ेगा। यश, मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें आरती के पास जाना चाहिए। I'm sorry आरती, मैं जानती हूं आरती कि जो कुछ भी हुआ तुमने चाहा नहीं होगा, पर ट्रस्ट में, मैं तुमसे कुछ भी छीनना नहीं चाहती। यश पर जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा भी है। क्या यार नेहा, पति की भक्ति में सब काम वाम छोड़ दिया क्या? एक्टिंग करते करते ना मुझे एक्टिंग करने की आदत हो गई है, और यहाँ जो पति पति का खेल चल रहा है ना, तो देख इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है।
तुझे और तेरे बच्चे को मार भी सकता था। आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हेलो माँ। हाँ गीतू बेटा, कैसी हो? हमें कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? 5 लाख। हाँ हम तैयार हैं, तुम बस जल्दी से आ जाओ, फिर चलते डिनर पे तीनों। आरती ले चॉकलेट खा। नहीं मैं चॉकलेट नहीं खाती। अरे थोड़ी सी थोड़ी सी। तुझे पता है तू कितनी सुंदर है? इतनी आंखें, इतने लिप्स, तेरी स्किन। अरे शर्मा गई? अपनी सुहागरात पे भी ऐसे ही शर्माई थी क्या? रुक जा सोचने दे। शर्माई तो थी, सब देखा था मैंने। ये आप क्या कह रहे हैं? कह नहीं रही हूं, एक सेकेंड। ये सब क्या है? हाँ ये आपके पास? देख जो कुछ भी है, है तो बहुत अच्छा, और अब जो होने वाला है बहुत अच्छा, और जो होगा वो और अच्छा होगा। हाँ यश मेरी बात सुन, अगर अपने पति के सामने अपना मुंह खोला ना, तो ये जो वीडियो तूने अभी देखी है ना, ऐसा वायरल करूंगी ना पूरी दुनिया तुझे देखेगी, समझ गई? चुप है ना, यहीं खड़ी रहे। यश रेडियो तुम लोग हाँ चलो निकलते हैं अब। हाँ एक्चुअली पर मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत खराब लग रही है। तुम नहीं जाओगी ना तो हम कोई नहीं जाएंगे, रहने दो। नहीं प्लीज प्लीज तुम दोनों जाओ ना, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया। प्लीज ना यश, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है आरती। हाँ चलो 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 गाड़ी निकालो। हाँ जाओ आरती। देखा तूने मैं कैसे तुझे तेरे पति के साथ अकेले जाने दे रही हूँ? मैं कबाब में हड्डी नहीं बन रही हूँ, मैं तुझे ऐसे ही खुश रखूंगी। तेरा काम है कि तू मुझे खुश रखे। जा जा। मैडम जी। अरे दरवाजा खुला ही है। सर चेक करो कोई इंजरी मार्क्स है क्या। चलो चलो पीछे चलो। सर 25 से 30 साल की औरत है, प्रेग्नेंट, मल्टीपल स्टैबिंग का केस है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? इन्होंने। मैं इनके घर में काम करती है। ये इनका खुद का घर है? नहीं साहब, बाढ़ उतरी थी। राणे सर लैंडलॉर्ड कौन है पता करो, उसको फोन करके बुला लो। यस सर। ये यहाँ पर अकेली रहती है? हाँ साहब, इनकी माँ कानपुर में किधर तो भी रहती है, फोन पर बात करती थी तभी सुना था मैंने। जिस तरह से मल्टीपल स्टैप किया गया है, सिर्फ पेट पर वार किए गए, एक प्रेग्नेंट औरत को कोई इस तरह से मल्टीपल स्टैप क्यों करेगा? ऐसे लग रहा है कि कोई इसे नहीं, इसके बच्चे को मारना चाहता था। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा तो होगा? नहीं सर नहीं है। ठीक है एक काम करो, इन लोगों से जरा ठीक से पूछताछ करो, पूछो किसी को आते जाते देखा है क्या, और एम्बुलेंस बुलवा लो। सर अब
यश, मैं एक बात बोलूं? बोलो ना। तुम जब रात को आरती के साथ होते हो ना, मुझे बहुत जलन होती है, बट तुम जब मेरे साथ होते हो तो मुझे गिल्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम हम दोनों के साथ रहो, मेरा मतलब है एक ही कमरे में एक साथ हम तीनों। ये क्या कह रही हो? यश, हम मॉडर्न जमाने से हैं ना, मॉडर्न सोच रखते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? जब हमें पता है कि हम तीनों को साथ में ही रहना है जिंदगी भर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। आई मुझे तेरे पास आना है, मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। बेटा तू जानती है ना यहाँ क्या हाल है? तेरी नई नई शादी हुई है ना, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बेटा, तू घबरा मत। क्या हुआ? यश, मुझे आपसे कुछ बात करनी। अब यश, वो हमने उस बारे में बात की थी ना, मैंने बताया आरती को, इसे उसी सिलसिले में कुछ पूछना है, तो बोला आरती। आरती नेहा सही कह रही, हम तीनों को एक ही साथ रहना है ना, चाहे वो बेडरूम के अंदर हो या बेडरूम के बाहर, बात तो एक ही है। आज से हम बेडरूम में एक ही साथ सोएंगे, ठीक है? एक मिनट। हाँ यश, आप मेरी बात, क्या लगता है तुम्हें यश हाँ बोल देंगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी घटिया करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उफ़ो आरती, तुम्हें एक बात पता है, मुझे ना जिद्दी लोग बहुत पसंद है, और तुम मुझे जितना मना करोगी ना, पता है मैं क्या करूंगी? ये देखो, मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगी, फिर मैं ही क्या पता नहीं कितने लोग तेरे दीवाने हो जाएंगे, तू तो सोच ले। साहब, वो किसी से ज्यादा बात बात नहीं करती थी। साहब, वो औरत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। ए, ए, गट। तू क्या बात कर रहा है गीतिका मैडम के बारे में? साहब, ये कुतरा ना मैडम को अकेली देख के बहुत परेशान करता था। कैसी है तू? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। हमें बहुत नींद आ रही है। हाँ, ऐसी हालत में तो ना आराम करना चाहिए, वैसे बड़ी दिक्कत होती है ना, ये सब अकेले संभालती है, बुला लेना इसके बाप को। अब बस एक बार हाँ करता हूँ, मर्द की सारी जरूरत मैं पूरी कर दूंगा। शर्म नहीं आ रही आपको? वहां बनने वाले हैं। एक दिन तो दारू पी के भी घर में घुसा था, क्या रे? गायकोड, सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जरा बाकी लोगों से ठीक से पूछताछ करना, और गीतिका के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाना। सर, शादी होते ही भूल गई दोस्तों को। ओहो, ये वही है ना तुम्हारे साजन की सहेली। ओके आरती, सी ये दोनों मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त है, ये है नुपुर और यही ना। इफ यू डोंट माइंड तो मेरे फ्रेंड्स के लिए चाय नाश्ता बना दोगी प्लीज? कम गर्ल्स, कम से। साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब, तो कोई औरत ही ऐसी होगी तो मर्द क्या करेगा, आदमी तो कुत्ता होता है साहब। सारे मर्द कुत्ते नहीं होते, लेकिन कुछ कुत्ते तेरे जैसे जरूर होते हैं, समाज में रहकर भलाई का मुखौटा पहनकर घटिया काम करते हैं। साहब, मुझसे गलती होगी साहब। साहब, जब वो बार बार बाहर के मर्दों से मिलती थी तो मैंने सोचा कि मैं भी एक चांस ले लूं। और जब तू वो चांस नहीं ले पाया
तो तूने उसका मर्डर कर दिया। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। तेरे जैसा घटिया आदमी तो कुछ भी कर सकता है। राणे डांडेल तेल लाओ लेना। सर मैंने उसे नहीं मारा, मैं सब सच कह रहा हूँ सर। अब देखना, अब शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी घटिया हरकत करते हुए? नहीं आती। अरे चल ना, अब तो कोई सती सावित्री तो है नहीं जो तेरे साथ कुछ स्पेशल होगा। जो यश ने तेरे साथ किया है वो मेरे साथ भी किया है, कौन सी बड़ी बात हो गई? ये आप जैसी घटिया औरत ना कभी नहीं समझेगी। हाय, जब तू ऐसे चिढ़ती है ना मुझे और ज्यादा प्यारी लगती। सो गर्ल्स लेट मी टेल यू वन थिंग। ओके, आई थिंक आई हैव अ क्रश ऑन आरती। अरे नहीं 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 नहीं, बारिश में तो मैं वड़ा पाव खाता ही नहीं हूँ। और सुनो तुम भी मत खाना, हाँ मंगाना मत घर पे कुछ भी। चलो रखता हूँ मैं फोन अभी। ओके ओके बाय बाय। हाँ गायकवाड़ बोलो। सर गीतिका के घर के आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी ने गीतिका के घर किसी को जाते नहीं देखा। लेकिन हाँ कई लोगों ने यह बताया कि कोई आदमी है जो गीतिका के घर बार बार जाता था। वो शरद भी यही कह रहा था। सर गीतिका के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स देखो गायकवाड़। सर गीतिका ने आखिरी कॉल सिद्धार्थ आपटे को किया था जब वो पहली बार यहाँ फ्लैट लेने आई थी ना, तो अपने पति के साथ आई थी। उसके बाद तो उसका पति गायब ही हो गया। सिद्धार्थ आपटे तो उसका पति है, पड़ोसियों ने बताया था। जी सर, जरा फोन लगा उसको। हेलो हेलो सिद्धार्थ, मैं बीएसए गायकवाड़ बोल रहा हूँ, स्वारगेट पुलिस स्टेशन से। जी बोलिए। दरअसल हमें आपकी पत्नी गीतिका के बारे में आपसे बात करनी है। आप कहाँ हैं? सर मैं तो दिल्ली में हूँ। आप जल्द से जल्द पुणे आ जाइए। ठीक है सर, मैं कल सुबह वहाँ पहुँच जाऊँगा। सर दिल्ली में, कल सुबह तक पुणे आ जाएगा। कोई और नंबर है क्या? देखो कुछ नंबर्स है सर, इनमें से एक कानपुर का नंबर है। ये शरद बता रहा था कि उसकी माँ कानपुर में रहती है, शायद उनसे बात करती होगी। और कोई है? सर और एक है, किसी अमन का नंबर है। एक काम करो, गीतिका की माँ को फ़ोन करके इन्फॉर्म करो, और ये अमन और सिद्धार्थ दोनों के कॉल डिटेल्स मोबाइल लोकेशन निकालो। सर चीयर्स। स्ट्रॉन्ग है ना। एक मिनट। यश आ गए तुम, अब मुझे ना मिलवाना है किसी से। जी जी फाइनली आप मिल गए। अरे अरे क्या कर रही है, पहली मुलाकात में डराएगी क्या मेरे पति को? यश ये दोनों ना मेरी बहुत पुरानी और बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये है हिना और ये है नुपुर। हेलो। ये दोनों पुणे में ना बैंक पीओ एग्जाम्स के लिए आई हैं। आई आई मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ले चलना अपने साथ। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं आए। अरे हुआ क्या वो तो बताओ। मैं तुझे क्या बताऊँ आई, बस यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है। तू सबर रह, तू पहला रोना बंद कर, हाँ शांत हो जा, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। हाँ मेरा हो गया, I'm done, I'm going guys, carry on, मेरा भी हो गया, enjoy guys। मुझे यहाँ से जलन हो रही है, आप बहुत handsome हैं। तो ठीक है ना? अब ठीक हूँ। तू जानती है ना मैंने तुझे कितना मिस किया है। I miss you too. I love you. I love you. सर, अमन आ गया है। बुला उसे। डॉक्टर अमन, आपकी गीतिका से कई बार बात होती थी। जी सर, मेरी पेशेंट थी वो। तो आप अपने हर पेशेंट के साथ रात को 2-2 बजे भी फोन पर बात करते हैं? नहीं सर, वो एक्चुअली उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी सर।
उसे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी मुझे कॉल करती। उसका पति उसके साथ आपके क्लिनिक पे आता था? नहीं सर, कभी भी नहीं, वो हमेशा अकेली आती थी। आप कभी उसके घर गए? एक दो बार गया था सर, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए मुझे ही विजिट के लिए जाना पड़ा था। लेकिन आपकी मोबाइल लोकेशन ये बताते है कि आप उस एरिया में अक्सर आया जाया करते हैं। सर उस एरिया में मेरे काफी सारे पेशेंट्स हैं तो मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, आप जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको वापस बुला लेंगे। जी थैंक यू। गायकवाड, गीतिका की माँ और सिद्धार्थ का क्या हुआ? सर गीतिका की माँ से फोन पर बात हुई, वो पहुंची रही है, और सिद्धार्थ ने बताया था कि वो दिल्ली में पुणे आज सुबह ही आ जाएगा, तो ऑन द वे होगा। पीएसआर राणे को फॉलोअप करने को बोल दिया है। सर सिद्धार्थ का फोन बंद आ रहा है सर। सर मैंने उसके सारे डिटेल्स निकाले सर, वो दिल्ली नहीं गया सर। कल रात जब इनसे उसकी बात हुई वो पुणे में ही था, उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है सर। सर मैंने उसके नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस की, जिस रात गीतिका का खून हुआ उस रात उसकी लोकेशन वहीं पर थी। गायकवाड फौरन उसके घर जाके पता करो। सर सिद्धार्थ कहाँ है? पता नहीं सर, कहीं गया होगा। अच्छा वो और उसकी पत्नी यही रहता है ना? सर सिद्धार्थ कभी पत्नी के साथ यहाँ आया ही नहीं, वो तो अकेला ही रहता है। अकेले? हाँ सर। आपकी बेटी बच्चे की माँ बनने वाली थी, प्रेग्नेंट थी, और ये बात उसने आपको बताई नहीं? उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। आई एम सॉरी, ये गीतिका की लाश की तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर में उसने मंगलसूत्र पहना हुआ है, उसके माथे पर सिंदूर है, प्लीज देखिए। हमें नहीं पता ये सिंदूर ये मंगलसूत्र इसने क्यों पहन रखा है, हमें सिर्फ इतना पता है कि इसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन ये जहां पर रहती थी वहां पर लोगों को यही पता था कि वो शादीशुदा है। इनफैक्ट उसका पति सिद्धार्थ फ्लैट दिलवाते वक्त उसके साथ था। सिद्धार्थ? लेकिन वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। और बेटा क्या करते हो? आंटी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे वाह, मैं गीतू को बुलाती हूँ। गीतू लड़का तो बहुत अच्छा है, बोल तो शादी की बात कराओ। क्या माँ भी, हमने कितनी बार उससे कहा कि अगर सिद्धार्थ तुझे पसंद है तो तू उससे शादी कर ले, लेकिन हर बार टालती रही, कहती थी अभी मुझे एक दूसरे को जानने का समय चाहिए। देखिए आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ है उसका मुझे बेहद अफसोस है। वैसे गीत कुछ दिनों से बहुत परेशान थी, उसने फोन पर 5 लाख रुपए मांगे थे। इतने पैसों की उसे क्या जरूरत थी? राम जाने, मेरी बच्ची को मारने वाले को भगवान बहुत बड़ी सजा देगा, बहुत बड़ी सजा देगा। गायकोट मुझे किसी भी हालत में ये सिद्धार्थ चाहिए, पता करो वो कहाँ है, अपने सारे खबरियों को काम पर लगाओ। एक और बात, जरा पता करना ये 5 लाख रुपए का क्या चक्कर है, गीतिका का मोबाइल मिसिंग है। सर्विस प्रोवाइडर से पता करो कि वो किस मेल आईडी से लॉगिन करती थी, उसके सारे मेल्स चेक करो। सर गीतिका की माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, अगर गीतिका की माँ गीतिका और सिद्धार्थ की शादी करवाने को तैयार थी तो फिर आखिर गीतिका ने बिना बताए शादी क्यों की और ये बात अपनी माँ से क्यों छुपाई। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद असल में गीतिका और सिद्धार्थ की शादी हुई ही ना हो लेकिन फिर भी गीतिका प्रेग्नेंट रही हो और इसीलिए वो उस सोसाइटी में छुप कर रह रही थी ताकि बच्चे की आइडेंटिटी पर बाद में कोई भी उंगली ना उठाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि गीतिका को प्रेग्नेंट करने के बाद सिद्धार्थ ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया हो और इसी चक्कर में गीतिका का मर्डर करके वो भाग गया हो। इस केस की सारी कड़ियाँ काफ़ी उलझी हुई थी और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सारी कड़ियाँ अब कहाँ जाकर सुलझेंगी। मुझे पता है आज रात की शिफ्ट है, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, अभी कुछ जरूरी काम करना है, बाद में बात करती हूँ।
यहाँ पे क्या कर रही है? यश तेरा मेरे कमरे में इंतजार कर रहा है, तू उतर जा। मुझे अभी यश के साथ नहीं होता यार, मजा तो मुझे तेरे साथ आता। ये सब भी हो जाएगा हा? अभी मैं जितना बोल रही हूँ तू उतना कर। अभी तुझे तो सच क्यों नहीं कहती कि तेरा इंटरेस्ट अब उसमें आ गया है? सुन, ये ना मेरा खेल है, मेरा जैसे मन करेगा ना मैं खेलूंगी। तुझसे जितना कहा है मैंने उतना कर। तुम यहां क्या कर रही हो? वही कर रही हूं जो इतने टाइम से मैं करना चाहती हूं। सर, गीतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मौत का वक्त रात 11 और 2 के बीच है। 5 बार स्टैप किया गया और वो 8 महीने प्रेग्नेंट थी और उसके नाखूनों में किसी के स्किन के फ्रेगमेंट्स मिले। जब हमने उसके बैंक डिटेल चेक किए तो पता चला उस दिन उसने 5,00,000 रुपए विड्रॉ किए थे। लेकिन जब हमने गीतिका के घर की तलाशी ली तो हमें कोई पैसे नहीं मिले। नहीं सर, हमने उसके मेल चेक किए। सिद्धार्थ उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो कह रहा था कि उसे उसका कुछ राज पता है जिसके बदले में वो 5,00,000 रुपए मांग रहा था। और जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ उस रात सिद्धार्थ की मोबाइल लोकेशन गीतिका के घर की ही थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि सिद्धार्थ ने गीतिका का मर्डर किया है और वो पैसा लेकर भाग गया है। अगर ऐसा है तो फिर वो कौन हो सकता है जो गीतिका के घर बार बार जाता था? सबसे पहले एक काम करो गायकोड, उसके नाखून में जो स्किन के फ्रेगमेंट्स मिले उसका डीएनए टेस्ट करो और उस शर्त के साथ उसको मैच करके देखो। और एक और काम करना, उसकी कॉल लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम हैं उन सबके फोटोग्राफ्स लेके उसकी सोसाइटी में दिखाओ। वहां से पता चलेगा कि वो कौन था जो उसके घर पे बार बार आता था। सर सर, अभी भी कंट्रोल से मैसेज आया कि कात्रज एरिया में एक बॉडी मिली है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा। मैं यहां से गुजर रहा था तो अचानक मैंने यश लाश को देखा तो तुरंत मैंने आपको फोन कर दिया। पाटिल मैडम, बॉडी पे कोई निशान या कुछ और? कुछ नहीं सर। गायकोड, मुझे नहीं लगता मारने से पहले इसे मोलेस्ट या रेप किया गया है। देखो, गले पर निशान है सिर्फ, मतलब गला दबाकर खून हुआ है। सर, ये कार्ड मिला, जूनियर आर्टिस्ट यूनियन। लड़की का नाम नेहा है, इस पर इसका एड्रेस है, घर वालों को फोन करो और इस पर फोन नंबर भी है, उससे इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। आसपास पता करो किसी और ने आते जाते कुछ देखा है क्या। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, नेहा जूनियर आर्टिस्ट का काम करती थी, अक्सर नाइट शिफ्ट हुआ करता था, कल भी था, सुबह फोन नहीं उठा रही थी। उसके बाद पता चला कि जहां पर काम करती थी वहां किसी से कोई अनबन, कोई लड़ाई? नहीं सर, नेहा बहुत मैच्योर लड़की थी, हाल ही में शादी हुई थी हमारी। ये दोनों कौन है? उसके फ्रेंड्स है, नुपुर और हिना। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू। बैकवर्ड, ये नेहा जहां पर शूटिंग करती थी वहां जाकर थोड़ी पूछताछ करो, हो सकता है वहीं पर उसकी किसी के साथ अनबन हो गई हो और इसी वजह से उसका मर्डर भी। सर सर, गीतिका से मिलने कौन आता था ये पता चल गया है। तुमने हमसे ये झूठ बोला कि तुम गीतिका से मिलने सिर्फ 2 बार गए थे, जबकि सच ये है कि तुम अक्सर वहां जाया करते थे। दरअसल मैं गीतिका से प्यार करता था सर, वो भी मुझे पसंद करती थी। थैंक्स।
कोई और भी है जो तुम्हारे बारे में सोचता है, एक बार हाँ कह दो, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। हम तुमसे पहले भी कहें ये नहीं हो सकता। देखो तुम्हारा पति तुम्हारी क्या हालत करके गया, मेरा विश्वास करो, धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। तुम पर यकीन है पर अपनी किस्मत पर नहीं है, ये नहीं हो सकता। आई हैव नो आइडिया वो मुझे मना क्यों कर रही थी। वो तुम्हारी बात मान नहीं रही थी इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया। नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच ये है कि गीतिका अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर पेशेंट के तौर पे तुम्हारे पास आई, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द ये समझ में आ गया कि वो अकेली है। तुम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और जब उसने मना किया तब तुमने उसका मर्डर कर दिया। सर ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। और आप ये जो बोल रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास इसका? सबूत तो तुम हमें दोगे। रिकॉर्ड इसे ले जाओ और इसे अच्छी तरह से पूछताछ करो, और गीतिका के नाखून में जो फ्रेगमेंट्स मिले हैं उससे इसका डीएनए मैच कराओ। ले जाओ इसे। सर मैं आपको बोल रहा हूँ सर, सर मैंने कुछ नहीं किया है। सर मेरी बात सुनिए सर। सर सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसे गला दबा के मारा गया और मौत का वक्त रात 12 और 2 के बीच। मैंने उसके सेट पर जाके पता किया, लेकिन किसी ने नेहा को किसी के साथ देखा नहीं। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर, यश की शादी सिर्फ नेहा से ही नहीं बल्कि आरती से भी हुई है, एक ही साथ एक ही मंडप में। What? यश की दो दो बीवियां हैं क्या? तुम दोनों ये नहीं जानते कि दो शादियां करना अपराध है? सर नेहा ने जबरदस्ती की थी। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की ना, तुझ पे रेप चार्जेस डलवा के तुझे अंदर करवा दूंगी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ओरिजिनली तुम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन एन मौके पर नेहा वहां घुस गई और इसने इसके साथ जबरदस्ती की कि वो उससे शादी कर ले। तो तुम्हें गुस्सा तो बहुत आया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुस्से में तुम दोनों ने ही मिलकर नेहा का मर्डर कर दिया? अरे आप क्या कह रहे सर, मैं नेहा से बहुत प्यार करता था, शादी के बाद तो मैं आरती के पास जाना भी नहीं चाहता था। वो नेहा ही थी जो मुझे बार बार कहती थी कि आरती के पास जाओ। आरती, फिर तुम्हें तो बड़ा गुस्सा आता होगा नेहा पर। नेहा इतनी भी सीधी नहीं थी। ऐसा क्या किया है नेहा ने तुम्हारे साथ कि तुम्हारी आंखों में उसके लिए इतना गुस्सा है? देखो आरती, सच को छुपाने की चाहे जितनी भी कोशिश करो, एक ना एक दिन वो पर्त के नीचे से बाहर आ ही जाता है। सर नेहा के कॉल रिकॉर्ड से लोकेशन डिटेल्स, जहां उसकी बॉडी मिली थी उससे आधे किलोमीटर दूर उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था, और उसे आखिरी कॉल किसी लैंडलाइन नंबर से आया था जो कि एक पीसीओ का नंबर है। तो ये हो सकता है कि किसी ने नेहा को फोन करके बुलाया हो। करड़े सर, जहां पर हमें नेहा की लाश मिली थी उसके आसपास का एरिया दोबारा एक बार चेक करो, हो सकता है वहां उसका मोबाइल मिल जाए। सर सर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सब कुछ यश ने किया होगा, हो सकता है उसका नेहा का झगड़ा हो गया हो और उसने गुस्से में आके नेहा को मार दिया। एक मिनट रिकॉर्ड, नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो सिद्धार्थ के टच में थी और उसकी मोबाइल लोकेशन ये दिखा रही है कि जब गीतिका का मर्डर हुआ था उस रात भी नेहा उसी एरिया में मौजूद थी। सिद्धार्थ और नेहा, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? नेहा और गीतिका दोनों के पिछले एक साल के कॉल रिकॉर्ड्स निकल हुए। सर गीतिका और नेहा के एक साल के रिकॉर्ड चेक किए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये पता चली है कि ये दोनों 6 महीने पहले तक रेगुलर टच में थे। इतना ही नहीं, गीतिका हिना और नूपुर के भी टच में थे। तुम दोनों गीतिका को कैसे जानते हो? और देखो झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम लोगों के पिछले एक साल के कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास है जिससे साफ पता चलता है कि तुम सब लोग एक दूसरे के साथ बात करते थे, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में थे। हाँ तो कैसे जानते हो गीतिका को? सर गीतिका हमारे साथ हमारे फ्लैट में रहती थी। बड़ी अजीब बात है, तुम्हारी एक और फ्लैटमेट नेहा, उसका मर्डर हो चुका है और अब तुम्हारी ये पुरानी फ्लैटमेट गीतिका, उसका भी मर्डर हो चुका है। कैसे टर्म्स थे तुम्हारे? सर नॉर्मल। और नेहा और गीतिका, उनकी आपस में लड़ाई होती थी? नहीं सर। तो फिर जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ उस रात नेहा गीतिका के घर के आसपास क्या कर रही थी? ये सिद्धार्थ ये गीतिका को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? गीतिका ने सिद्धार्थ की पहचान अपनी सोसाइटी में उसके पति के तौर पर करवाई थी।
और ये मत कहना कि तुम लोग सिद्धार्थ को नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि तुम दोनों भी सिद्धार्थ को जानती थी, तुम्हारी भी उससे बात होती थी। क्या है ये सब चक्कर? हाँ सर, हमारी सिद्धार्थ से बात होती थी, लेकिन सिद्धार्थ गीतिका का पति नहीं था, वो सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा था जिसके हम उसे पैसे दे देते थे। कैसी हेल्प सर? सर हम लेस्बियंस हैं, पहले मैं और नेहा पार्टनर्स थे और बाद में फिर हिना ने हमें ज्वाइन किया। सर गीतिका तो बहुत बाद में आई थी हमारे साथ रहने और बहुत सीधी थी वो, और मैंने देखा कि नेहा गीतिका को पसंद करने लगी थी। सर मैंने नेहा को समझाया भी था गीतिका स्ट्रेट है, लेकिन वो नहीं मानी। और पहले नेहा गीतिका पे हिट करती थी और फिर उसने उसका रेप कर दिया, और सर रेप करते करते उसका वीडियो भी बनाया, फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करा करती थी और बार बार रेप करती थी। और ये सिद्धार्थ ये कहाँ से आ गया, इसका क्या चक्कर है? हमारी फैमिली हमारे पर शादी का प्रेशर डाल रही थी, तो हम जब भी घर जाते तो सिद्धांत को घर लेके जाते थे, घर पे ये बताते थे कि वो हमारा बॉयफ्रेंड है, और सर जिसके उसको पैसे मिलते थे, और फिर वही हमें ब्लैकमेल करने लगा कि वो हमारे साथ सेक्स करना चाहता है, और फिर नेहा ने सिद्धांत को गीतिका दे दी, और फिर वो उसको ब्लैकमेल करने लगा और उसका रेप करने लगा। किस तरह की लड़कियां हो तुम लोग? सर सच में हमने कुछ नहीं किया, वो सब नेहा करती थी। तो जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ, नेहा उसके घर के आसपास क्या कर रही थी? सिद्धार्थ गीतिका को किस बात पर ब्लैकमेल कर रहा था? सर हमें वो सब नहीं पता, बस हमें ये पता है कि गीतिका सिद्धार्थ के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, और ये बात जब नेहा को पता लगी तो नेहा ने गीतिका को बहुत फोर्स किया कि वो अबॉर्शन करा ले, और उसको धमकियां भी देती थी कि वो वीडियो वायरल कर देगी, लेकिन सर गीतिका इस बच्चे को नहीं मारना चाहती थी, और हमारा पूरा ग्रुप टूट गया। फिर नेहा ने यश से शादी की और हमें यहाँ बुलाया। सर हमें आगे नहीं पता। रणे मैडम घूम जाना, जाइए। चलो सर, क्या लगता है? अभी तो ये सब कुछ नेहा पर डाल रही है, और नेहा अपनी सफाई देने के लिए बाह नहीं सकती। एक काम करो गायकोड, गीतिका के नाखून में जो स्किन के फ्रैगमेंट्स मिले हैं उससे नेहा का डीएनए मैच करके देखो, उससे कम से कम ये तो साफ हो जाएगा कि गीतिका का मर्डर नेहा ने किया है या नहीं। सर यहाँ पर नेहा का फोन बंद हुआ था, वहाँ के झाड़ियों के अंदर कीचड़ में ये मोबाइल मिला है, ये अभी बंद है, ये शायद नेहा का हो सकता है। एक काम करो, इस फोन को चार्जिंग पे लगा दो, देखो शुरू होता है क्या। सर अणि कर दे, ये बूटाला गांड लग ले, साफ करा। हो सर। सर गीतिका और नेहा की डीएनए रिपोर्ट्स। सर गीतिका के नेल्स में नेहा की स्किन ट्रेसेस मिले। इसका मतलब गीतिका का मर्डर नेहा ने किया, लेकिन फिर नेहा का मर्डर किसने किया? एक्सक्यूज मी। हाँ बोला। क्या काम पर? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर तूने कुछ नहीं किया? तो जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ उस रात तेरी मोबाइल लोकेशन उसके घर के पास कैसे थी? हाँ सर, सर मैं वहां गया था सर, लेकिन सर मेरे पहुंचने से पहले गीतिका मर चुकी थी सर। तू गीतिका को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? सर वो गीतिका ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ दिन तक उसका पति बन के रहूं, तो वो मुझे 5,00,000 रुपए देगी। सर बाद में उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है सर। तो तूने गीतिका से पैसे लिए और उसका मर्डर कर दिया? मैं तो बस अपने पैसे लेने के लिए वहां पे गया था सर, जैसे ही मैं वहां पहुंचा फिर मैं डर गया था सर, मैं वहां से भाग गया। सर मुझे नहीं पता सर कि गीतिका को किसने मारा। सर गीतिका को नेहा ने मारा, या मैं यूं कहूं कि तूने और नेहा ने मिलकर मारा। सर गीतिका के मर्डर में मेरा कोई लेने देना नहीं है सर। तो तू नेहा से कॉन्स्टेंटली टच में क्यों था? जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ उस रात भी तुमने नेहा से बात की? सर वो मुझे लगा कि गीतिका मुझे पैसे नहीं देगी, तो मैंने नेहा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि गीतिका के बदले वो मुझे पैसे दे दे, नहीं तो उसके बारे में मैं सबको बता दूंगा। तो तूने गीतिका को नहीं मारा? नहीं सर। और नेहा? तूने नेहा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, नेहा ने तुझे पैसे नहीं दिए और इसलिए तूने नेहा का मर्डर कर दिया। सर मुझे पता भी नहीं है कि नेहा मर चुकी है सर। हाँ नेहा मर चुकी है और तूने उसे मारा है, लेकिन तू ऐसे नहीं बताएगा। करड़े राणे
जब तक मुंह ना खोले धोते रहो इसे। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर। नेहा के फोन का डेटा रिकवर हो गया, उसमें यश और आरती के सुहागरात की वीडियो है और नेहा ने जो आरती का रेप किया था वो वीडियो भी है। आरती का रेप? जी सर, पर इतना ही नहीं, इसमें गीतिका के रेप का भी वीडियो है, ये देखिए। तो आरती, नेहा ने तुम्हारा रेप किया और इसलिए तुमने नेहा का मर्डर कर दिया? नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तुम दोनों से तो किसी भी तरह के सच की उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि तुम दोनों तो झूठ ही बोलोगे। सर पर हमने आपसे कौन सा झूठ बोला? तुमने ये झूठ बोला कि गीतिका का रेप सिर्फ नेहा ने किया था, जबकि सच ये है कि गीतिका का रेप तुम तीनों ने मिलकर किया था। राणे, इस घर का सर्च वारंट है हमारे पास, हम इस घर की तलाशी ले दी। चलो लगा कमरा। ये सैंडल किसका है? सर ये तो नुपुर की है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, इससे साफ होता है कि तुम्हारे सैंडल पर जो मिट्टी पाई गई वो उसी एरिया की थी जहां पर हमें नेहा की लाश मिली। बैकवर्ड उस एरिया में एक कैमरा है, इसकी सीसीटीवी फुटेज, इस फुटेज में तुम्हारी गाड़ी वहां से पास होती हुई साफ दिखाई देती है उसी वक्त जब नेहा का मर्डर हुआ। नुपुर अब ये तो साफ हो गया है कि तुम ही ने नेहा का मर्डर किया। सर मैं नेहा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उस आरती के पीछे पड़ी थी, उसने आरती का रेप कर दिया। और नेहा जब शूट पे थी, जब मैंने उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया था, तूने आरती का रेप क्यों किया? रेप कहाँ किया यार, प्यार किया। अच्छी लगती है ये आरती मुझे। नेहा आज तक हमने जो भी किया है ना, मिल बांट के किया है। गीतिका और हिना को जैसे हमने बांटा था ना, आरती को भी बांटना होगा, समझी? ए आरती ना सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं ना तुझे ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगी, समझी? ए नुपुर बस कर यार। देख मैं और यश मिलके ना आरती को अच्छे से समझा लूंगी। मुझे पति भी मिल गया और प्यार भी, देखो ना और कुछ नहीं चाहिए। ये जो तेरा मेरा लफड़ा है ना, ये मुझे अभी नहीं चाहिए। मैं ना तुझे कुछ दूर नहीं आने दूंगी, समझी? मुझे ना अभी तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस कर, समझी? सर मैं नेहा को मारना नहीं चाहती थी। सच तो ये है कि तुम लोग प्यार का मतलब नहीं जानते। प्यार छोड़ो, तुम लोग तो दोस्ती और इंसानियत का मतलब भी नहीं जानते। अब पूरी जिंदगी जब जेल में सड़ोगी तब शायद एहसास हो जाएगा। गे, लेस्बियन या होमोसेक्सुअल होना कोई बुरी बात नहीं है, आज तो हमारा कानून भी इसे अपराध नहीं मानता, लेकिन किसी पर जबरदस्ती करना, रेप करना बहुत ही संगीन अपराध है। अगर इस तरह का अपराध आपको आपके आसपास घटता हुआ नजर आए तो प्लीज आप पुलिस की मदद मांगिए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ। आप सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद।